पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार पर हमला बोला। रैली में आए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी से सतर्क रहकर केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ ने कहा कि अगर जनता ठान ले तो 3 माह में लोकसभा व विधानसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का झंडा लहराएगा। महागठबंधन को मौका दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह रैली देश की तकदीर का फैसला करेगी। पंडित नेहरू, इंदिरा व राजीव इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में संबोधन किया था। आज राहुल गांधी के संबोधन से लोगों को ऊर्जा मिलेगी। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि भाजपा के खिलाफ सोच व विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं। 3 राज्यों में वादा के अनुसार किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी सरकार दलित परिवार के साथ धोखा कर आरक्षण पर हमला कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर मोदी सरकार को हटाकर राहुल गांधी को PM बनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को गंगा का बेटा कहते हैं, लेकिन गंगा की असली संतान आप लोग हैं। नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी से बचना होगा और राहुल के नेतृत्व में गठबंधन करके मोदी सरकार को भगाना है। जन आकांक्षा रैली में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे राहुल गांधी के साथ दिल्ली से ही राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी थे। दोनों एक ही विमान से यहां पहुंचे। इससे यह कयास शुरू हो गया कि कहीं विमान में ही दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई खिचड़ी तो नहीं पक गई। कहा जा रहा है कि विमानों में दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इस दिनों कवायद चल रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को छोड़ राजद के सभी सहयोगियों के साथ सीट को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस इस रैली का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली में रविवार को मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह भी मौजूद रहे। लोगों की उम्मीद थी कि वे आएंगे और मंच पर दिखेंगे, लेकिन उसका विपरीत वे उल्टा चुपचाप ही शामिल हुए। वे मंच पर पहुंचे ही नहीं, बल्कि मंच के सामने मैदान में बैठे रहे और सभी वक्ताओं को ध्यान से सुनते रहे। रैली में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी को संबोधित करना था, लेकिन गला खराब होने की वजह से वे कुछ बोल नहीं पाए। रैली में लालू यादव व उपेंद्र कुशवाहा के संदेश की जानकारी दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने मंच पर बैठे नेताओं का स्वागत किया। राहुल गांधी जब मंच पर आए तो सहदेई बुजुर्ग में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए सभी नेताओं ने कुछ मिनट के लिए मौन रखा।